कहते हुए जो ड्रामा आया था वो इसी कॉलेज के अंदर जो है उसकी सारी शूटिंग हुई थी, जितने बॉयज थे उसमें सारे यहीं पढ़ते थे जीटी रोड। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, देखो चला गया देखो। अरे चल जाके कार्ट में बैठ गया अब्दुल्ला। वाइब्रेशन तुम्हारी आवाज़ कैसी हो रही है? पापा की आवाज़ भी तो ऐसी ही हो रही है। अब्दुल्ला भगाओ, स्पीड नहीं समी, नहीं समी, नहीं मैं ऊपर कूदूंगी फिर से। नहीं 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 ये देखें आसमान पे कितने ज़्यादा सितारे हैं। अब्दुल्ला ने यहाँ पर जो है अपने डो शो निकाल लिए हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा फिर इसको जो है बेटा खोलोगे ना तो वापस लेके नहीं जा पाओगे, मसला हो जाएगा। ये देखें सामने अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और ये यहाँ का एक मशहूर स्पॉट है जहाँ पर जाके ना फोटोग्राफी वगैरह लोग करवाते हैं। यहाँ पर कोई चर्च वगैरह मेरे ख्याल है बना हुआ है आगे, ठीक है आगे माल रोड पर आगे जाएंगे तो कुछ बैंक्स हैं एंड बैंक्स के साथ साथ जो है आगे फिर रेस्टोरेंट्स भी हैं, उस्मानिया भी है, KFC वगैरह भी, सारी चीज़ें आगे हैं। ठीक है जी, ये अब्दुल्ला भाई बेटा इसको खोलना नहीं, खोलूंगा बेटा घर जाके खोलना, यहाँ पे नहीं खोलो। ठीक है खोल लो ना। तो भाई ये है, ये सीन है, बहुत थक गए हैं पूरे सफ़र में, बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी है अब तक। अब कल हमारी वापसी है, कल जब बस में बैठूंगा तो मुझे फाइनली सुकून मिलेगा कि आप चलो अब हम वापसी के सफ़र पे निकल चुके हैं। अब जब कराची पहुँचेंगे तो फिर मुझे फाइनली सुकून मिलेगा कि यार शुक्र है हम अब खैर ऑफिस से जो है कराची अपने घर वापस पहुँच चुके हैं। तो ये है भाई, यहाँ बंदू खान भी है, एक सर्विस है। समी बाबा खेल रहे हैं दो से, पैक कर रहा हूँ बिल्कुल, ऐसे हाथ बर्फ हो रहे हैं बिल्कुल, ऐसे शदीद यहाँ पे ना ठंड हो रही है। अब तो मज़ा आ रहा है, ये शॉपर डालेंगे अपने हिसाब से, उसमें नहीं डाली है, उसमें डालने चम्मच डाल देना। तो आप अलग से देते नहीं है, रखते नहीं है टेबल पे, रखते नहीं है क्या? अगर और जरूरत पड़ी तो मेरी बाजी आवाज दे दीजिए यहां से। ठीक है बस बस अब्दुल्ला नानी को मैसेज दो, कोई मतलब कोई मैसेज दो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इधर देखो तो अच्छा लग रहा है। और मजा आ रहा है। और सर्दी लग रही है, है नानी को हाय करो। लेकिन ये कि चलें थोड़ी सी गर्माइश आ जाएगी, क्योंकि हाथ बिल्कुल ना बर्फ़ हो रहे हैं, बिल्कुल हाथ बर्फ़ हो रहे हैं, थोड़ी सी शायद गर्माइश आ जाए पीने के बाद। ये कॉफ़ी, कॉफ़ी अब वो पी के पता लगेगी कैसी। भालू, तुम भालू लग रहे हो। अच्छा अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, सब्सक्राइब करें, इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो, लाइक कर दे और बेल आइकन और लाइक और शेयर और कमेंट। हाँ शेयर और कमेंट। खेले ना मम्मा। ये देखें आगे धूप पड़ रही है उस्मानी रेस्टोरेंट के ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है आगे का मंजर। नीचे पानी है, ये मेरा ख्याल है किसी रेस्टोरेंट से शायद पानी बहता हुआ आ रहा है। उस्मानी रेस्टोरेंट ये वही रेस्टोरेंट है जो कराची में भी है। ठीक है आगे रेड अनियन एक और आ रहा है, ये ऊपर धूप पड़ रही है, ये सामने से सूरज निकल रहा है, बहुत ही प्यारे मनाजर रहे हैं। बाय द वे KFC जो है ना अब यहाँ पर मूव कर दिया है इन्होंने उस्मानिया के नीचे, पहले आगे था अब KFC जो है यहाँ पर मूव हो गया। चलो आगे आओ, OPTP भी यहाँ पे खुल चुका है भाई। अच्छा OPTP भी आ गया यहाँ पर। ये दो मुझे फ्रेंचाइज नज़र आई हैं, इसके अलावा सारे लोकल रेस्टोरेंट्स हैं। उस्मानिया एक आगे भी है। सीधे चलो बेटा, ये वाला रोड जा रहा है कार्ट रोड की तरफ, ठीक है यहाँ से मार्केट से होते हुए कार्ट रोड की तरफ रास्ता निकल रहा है और ये पूरा माल रोड चल रहा है। ठीक है जी आगे लाहौरी, लाहौर रेस्टोरेंट, लाहौर रेस्टोरेंट बना हुआ है सामने, मरी हिल्स। ये रास्ता नीचे किसी गांव की तरफ जा रहा है। अलाइड बैंक है जी, RD ड्रिंक्स एंड पान शॉप। स्लो माल रोड पर तमाम फौजी सरकारी
नीम सरकारी से गाड़ी में दाखिला मामला है। ओके थोड़ी देर। मरहबा होटल, मरहबा इन होटल, शहबाज तिक्का, उस्मानिया, आगे एक और है शहबाज तिक्का, देन फूडीज, कॉफीज, चिप्स, कहाँ पकड़ लो, राजा ब्रदर्स, ये सारी सूरत हाल है भाई। होटल मेजेस्टिक, तो ये सीन है 6G एक्सट्रीम मोशन राइड, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है दे रहे हैं 100 रुपये 150 रुपये के अंदर। तो यहाँ पे आके खैर बस ये थोड़ी गहमा गहमी देख ली है, अब थोड़ा सा देर बैठेंगे और एक दो चीज़ें करेंगे, दैन फिर वापस निकलेंगे हम अपने जो है हम होटल की तरफ वापस निकलेंगे। इस्लामाबाद जाके देखते हैं, अगर हमें होटल डायरेक्ट जाना है डायरेक्ट होटल जाएंगे, अदरवाइज़ हम कहीं पे खाने पे रुकते हैं। और बकरा भी आ गया अब्दुल्ला। ओ वाह, कुछ नहीं करेगा देखो चला गया। अरे जाके कार्ट पे बैठ गया अब्दुल्ला। अले अले तो कार्ट पे जाके बैठ गया। हाँ वो पहाड़ी है ना, देखो भाग गया, भाग गया। बकरा के तुम लोगे कैसे फिर, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बकरा कैसे लोगे फिर? ये पहाड़ी है ना, से डर लग रहा है। मरी हिल्स थ्रू हिस्ट्री इन 1853 टू 1947, ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं, कुछ ये हिस्ट्री के हवाले से है। झीका गली चौक, घड़ियाल, पता नहीं क्या गया, एक्स वाई जी, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, लोअर बाजार एंड चर्च, मॉल रोड, उस वक्त ऐसा हुआ करता था मॉल रोड, पिंडी पॉइंट, मॉल रोड, ये सारे जो है मामलात हैं यहाँ के। दैन आगे बढ़ते हैं। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है 1947 से 2000 तक का, ठीक है। तो उस दौरान जो मामला थे, सनी बैंक, दैन आगे GPO चौक, पथरियाटा, चेयर लिफ्ट, घड़ियाल, ये चीज़ें थी भाई, इस तरह के मामला थे उन दिनों। पिंडी मरी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इंडिपेंडेंस डे, GPO चौक, इतना रश यहाँ पे हुआ करता था GPO चौक के ऊपर, चर्च, मॉल रोड, यह है भूरबन माउंटेन, भूरबन के पहाड़ बहुत खूबसूरत वाकई लगते हैं, GT रोड, मरी, ठीक है जी, कश्मीर पॉइंट, बर्फ़ पड़ी हुई है। ये 2000 तक के मामले आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये 2000 से लेकर 2021 तक ये डेवलपमेंट थी। इसका हाथ पकड़ो, तो जो आप देख सकते हैं लोअर टोपा एंड एक्सप्रेस वे, मरी जो है सब तामीर हो चुका था। तो ये जी कश्मीर पॉइंट के ये मनाजिर हैं, बहुत ही हसीन मनाजिर, क्योंकि ज़ाहिर है कैमरा टेक्नोलॉजीज़ भी उस टाइम पर काफ़ी अच्छी आ चुकी थी, तो इसलिए जो फोटोग्राफी है वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी। तो व्यू फ्रॉम पिंडी पॉइंट, ये व्यूज़ हैं लॉकवुड होटल मरी, उल्दाना चौक, एक्सप्रेस वे मरी, मरी ब्रूरी, लॉरेंस कॉलेज में, ये देखें भाई लॉरेंस कॉलेज में, खाली ऐद वफा ही बना था, ऐद वफा जो ड्रामा आया था वो इसी कॉलेज के अंदर जो है उसकी सारी शूटिंग हुई थी, जितने बॉयज़ थे उसमें सारे यहीं पढ़ते थे। GT रोड मरी, GPO मरी, PC भूरबन, ये PC भूरबन है, मैकडोनल्ड्स बना हुआ है लोअर टॉप मरी के ऊपर, जहाँ हम लोग गए थे ये वही वाला मैकडोनल्ड्स है जहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ पे हम लोग बैठ के आइसक्रीम खाई थी। यहाँ से जो व्यू है ना इनकी बैल्कनी से, बहुत अच्छा व्यू, ये लॉरेंस कॉलेज जो है मरी रोड, ये आ रहा है होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये जाहिर है वही एरिया है। मेरा ख्याल है हम लोग भी बैठ के आगे की तरफ चलते हैं, क्या ख्याल है? वहाँ पे कह रहे हैं क्या कह रहे ये जी भाई, बड़े अच्छे शूज़ पहने हुए, आई लव मरी, ये यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि आगे तक हमें पूरा इस तरह का व्यू नहीं मिलेगा, पहले जो है ना ये वाली यहाँ पे बाड़े नहीं हुआ करती थी, तो पहले यहाँ से ना पहाड़ का पूरा व्यू था, अब जो है यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया, तो पहाड़ का व्यू यहाँ से हम देख नहीं सकते। मैं चला आता हूँ या घोड़ा, कीप द कैन ग्रीन भाई, कैन को जो है साफ सुथरा रखें, हरा भरा रखें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ऊपर रहमान बहुत रहम करने वाला, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, हैशटैग मॉल रोड, और ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे ये दरख्त लग रहे हैं, ये सब नेचुरल है। आगे उधर गाड़ी आ रही है, ये सब नेचुरल है, आगे तक पूरा आपको जो है ना यही व्यू मिलता चला जाएगा। अगर ये जगह नहीं लगी होती ना, हम आगे जो है देख, बल्कि आगे मुझे खुली नज़र आ रही है जगह, आगे से जो है ना आपको पहाड़ के नज़ारे दिखाते हैं यहाँ से। हाथ मेरे बिल्कुल जमने भाई, मुझसे हाथ कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि सर्दी शदीद हो रही है यहाँ पर, ऑल दो बर्फ़ नहीं है बट स्टिल टेम्परेचर फील्स लाइक फोर भाई। इन्होंने देखा था टेम्परेचर मेरे ख्याल निकलने से पहले। ये कुछ है चीका शीनो हैंडक्राफ्टेड टीज एंड ईट्स, हैंडक्राफ्टेड टीज एंड ईट्स, व्हाट डज दिस मीन, मुझे समझ नहीं आई बात। खैर ये आगे ट्रॉली वाले बैठे हुए, देखते हैं इनसे बात करते हैं, शायद ये आगे ले जाए।
अच्छा नहीं तो खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, देखें ऊपर की सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने अच्छा अच्छा खासा। तो ये भाई ये सीन है यहाँ पर, यहाँ से पहाड़ का व्यू देखते हैं भाई, यहाँ से ये पूरा भाई यहाँ से नज़ारा है, जो कि अभी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा क्योंकि शाम भी हो चुकी है और दरख्त इतने फॉग इतनी हो रही है आगे के ये नज़ारे क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। चले भाई कार्ट पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं आगे पिंडी पॉइंट की तरफ। ये भाई हमें बेचारे भी देखें पीछे कितनी मेहनत का काम है इन लोगों का, ये हमें पुश करके जो है पिंडी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तकरीबन कितना किलोमीटर है भाई? 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और 100 रुपये में जो है हमें वहाँ तक लेकर जा रहा है। तो बहुत मेहनत भी है इन लोगों की यार। कैमरा आप लोगों को हिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि रोड जाहिर है, रोड के ऊपर ये कार्ट जो है गाड़ी छोटी सी ये चला रहे हैं, धक्का गाड़ी है, धक्के से दिखा रहे हैं, धक्के से चला रहे हैं ऊपर, तो इसलिए जाहिर है थोड़ा सा कैमरा भी हिल रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा हिल रहा होगा। तो ये देखिए कार्ट से नज़ारे ऐसा लग रहा है कि हम नहीं उधर ही करते सामने पहाड़ है। ये देखिए भाई ये मामला आते हैं यहाँ के, ये नज़ारे हैं तुम्हारी आवाज कैसी हो रही है? बाबा की आवाज भी तो ऐसी ही हो रही है। ये देखे भाई मरी कैंट सिंस 1851। हाँ स्नोमैन तुमको यहाँ तो नजर आ ही गया। ये कौन सी जगह आ गई? ये देखो स्नोमैन, ये बर्फ भी पड़ी हुई यहाँ पर। कैसा है? चले भाई मैंने भी धक्का लगाना शुरू कर दिया है अंकल के साथ साथ, बल्कि मैं खुद ही लगा रहा हूँ धक्का। नहीं नहीं आराम से चला रहा हूँ। वो लेफ्ट राइट नहीं कर सकेंगे ना? कर लेंगे, कर दूंगा, कर दूंगा। नहीं नहीं चले भाई पीछे गाड़ी आ रही है, आ रहा है धक्का, पावर चला रहे हैं, कर लिया टर्न, कर लिया टर्न, करना मुश्किल नहीं है इसलिए टर्न हो रहा है। चलो भाई अंदर तो भगाओ। हां स्पीड नहीं नहीं सेमी नहीं, सेमी नहीं, मैं ऊपर कूदूंगी फिर से। नहीं 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 भाई मैंने भी धक्का लगाया और थक गया हूं, अभी सांस फूल रही है। तो आप सोचें कि ये लोग जो बेचारे यहां पर इतनी मेहनत करते हैं चंद पैसों के लिए, तो उनको कैसा लगता होगा। खैर आधी हो जाते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है मैं तो आधी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा खासा मैंने भी धक्का लगाया, मज़ा आया। मतलब मुश्किल नहीं था, धक्का लगाना आसान था, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको करोगे तो जाहिर है चूस्ट भी हो जाओगे और थकन भी ज़्यादा होगी जाहिर है। खैर ये देखें साफ सुथरा बना हुआ है भाई पूरा, कहीं पर कोई गंदगी नहीं है, जगह जगह ये डस्टबिन लगे हुए हैं CBM की तरफ से, कैंटोनमेंट बोर्ड मरी की तरफ से। तो ये सीन है, लोग सुकून से अकेले भी घूम रहे हैं, किसी किस्म का ख़तरा नहीं है यहाँ पे लोगों को। तो ये हालात हैं भाई, साफ सुथरी रोड्स, ये थोड़ा सा पैच है मेरे ख्याल इस पर काम होगा अभी, क्योंकि इन्होंने देखा ना इस तरह से बॉक्स बना के इसको खाली किया हुआ है, तो इस पर काम होना है मेरा ख्याल है अभी। ये सीन है भाई सेफ प्रीस। अच्छा 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 चले ठीक है, ये देखें सेफ ट्रीज। अच्छा आगे जो है ना कह रहे हैं अलाउ नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर वापसी में इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ से नज़ारा, नीचे पूरा गांव है, लोगों की रिहाइशें हैं, घर ही घर नज़र आ रहे हैं और ये सामने पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। चले अब शाम हो गई है, अब शाम हो चुकी है, अब जो है ना चलते हैं और अब वापसी का इंशाल्लाह सफ़र बांधते हैं। समझ लें कि आज हमारा यहाँ पर ट्रिप ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, अब जाते हैं इस्लामाबाद वापस और फिर उसके बाद जो है वापसी के लिए तैयारियां करते हैं सुबह की।
अरे भाई KFC आए हैं हम लोग आइसक्रीम लेने के लिए। भाई आइसक्रीम मंगवाई है हमने, क्रीमी बॉल करके नाम है इसका, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ट्राई तो करने दो, मैं हर चीज़ ट्राई करता हूँ मैं, तो मुझे ट्राई करने दो। नहीं मैं ट्राई करूँगा। हाँ चलो ट्राई कर लो भाई, ट्राई करने का मौका नहीं मिल रहा मुझे। दिखाएं, ये देखें भाई, ये आ गई। अब ये जो है वाइफ ट्राई करेंगी, सही है। अब मैं ट्राई करूँगा इसको, सही है जी। ये मैं चॉकलेट लूँगा भरपूर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पैदरीन में मज़ा आ गया। चलो कितना निकलते हैं वहाँ पर। अच्छा भी वापसी के लिए निकल रहे हैं। अब KFC से आइसक्रीम ले ली, क्रीम बॉल करके कुछ है इनका बाउल, वो ले लिया है। अब जो है ना, अब जा रहे हैं वापसी। ये मेल्ट तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, इतनी सर्दी में कहाँ मेल्ट होगी। तो खैर अब जा रहे हैं भाई, वापसी के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाने के लिए हमारे ड्राइवर साहब जो है वेट कर रहे हैं, और उनसे हमने बस थोड़ी देर के लिए जो है बात की थी। जो टाइम दिया था वो टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, तो कोशिश मेरी है कि भाई टाइम से पहले पहुँचे, ताकि उनको भी परेशानी ना हो, हमें परेशानी ना हो। कि वापसी का सफ़र जो है अंधेरे में है, और पहाड़ियों पर से जाना है हमने, ज़रा ख़तरनाक रास्ता होता है। तो कोशिश यही है कि भाई जल्द से जल्द पहुँच जाए जी। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं वापस आकर, और अब अच्छा खासा सफ़र भी हम कर चुके हैं, तकरीबन हम समझ लें चीका गली वाले रास्ते पर आ चुके हैं। अब डिसाइड ये किया हमने, दो रास्ते निकलते हैं असल में यहाँ से ना, दो रास्ते आते भी हैं, दो रास्ते ज़ाहिर वापसी के लिए बनते हैं। एक एक्सप्रेस वे है जो नया बना है जो कश्मीर की तरफ जाता है, और एक एक्सप्रेस वे जिसको GT रोड बोलते हैं, जो पुराना रोड है। तो GT रोड का सीन ये है कि GT रोड पे एक ही रोड के ऊपर जो है 2-way ट्रैफिक है, और जो अपना एक्सप्रेस वे है उसमें सेपरेट रोड सेपरेट ट्रैक्स हैं, और दो 2x2 की लेन्स हैं दोनों में। तो हमने ये फ़िलहाल तो ये सोचा कि हम चलें एक्सप्रेस वे की तरफ से चलते हैं। तो आगे का माहौल भाई कुछ ऐसा है, घुप सन्नाटा, बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइटिंग शाइटिंग नहीं है, ठीक है। हम मेरे ख्याल एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सीन है, आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। हाँ तो अभी आगे जाके आई थिंक मिलेगा, आगे जाके मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये सीन है भाई, अब खैर ऑफिस से इंशाल्लाह पहुँच जाते हैं, फिर आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, वो मैकडॉनल्ड्स आ गया जहाँ पे हमने परसों बैठ के आइसक्रीम खाई थी, और यहाँ से जो हमने आपको नज़ारे दिखाए थे पीछे पहाड़ के, जो बर्फ़ वाली जो चोटी नज़र आ रही थी हमें, तो ये वो वाला जो है मैकडॉनल्ड्स है। अब यहाँ से हम राइट लेंगे, और राइट पे हम चढ़ जाएंगे एक्सप्रेस वे के ऊपर जो नया बना है, वो फिर स्ट्रेट हमें निकालेगा बारागाव की तरफ। बारागाव पे जाके हम बस जाएंगे। अभी हाँ हो सकता है ट्रैफिक थोड़ा कम हो। ये देखें आज आसमान पे कितने ज़्यादा सितारे हैं, सितारों की पूरी एक जो है ना निकल के आ गई है पूरी चेन। नहीं ये सितारे नहीं है, ये असल में पहाड़ों के ऊपर बने हुए घर हैं, जो कि जिनके घरों में अभी लाइटें जल रही हैं, जिसकी वजह से ये माशाल्लाह व्यू आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आसमान पे ये काले काले आसमान है, और इसके ऊपर ये सारे सितारे छोटे 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 नज़ारा, इस तरह का कुछ नज़ारा लग रहा है। लेकिन ये सामने से देखने में बहुत हसीन मंज़र लग रहा है। कराची में भी ऐसा मंज़र है, कराची की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर जो जब घरों में लाइटें जलती हैं तो उसका भी कुछ इसी तरह का मंज़र होता है। कटी पहाड़ी तो खैर वो बीच में आता है, पहाड़ को काटा हुआ है। औरंगी टाउन की वो बेसिकली पहाड़ियाँ लगती हैं, जो कि पूरी नॉर्थ कराची के बैक एंड से जो न्यू कराची की तरफ होते हुए जा रही हैं, तो वो बहुत बड़ी पहाड़ी का सिलसिला है वो भी, और रात का मंज़र उसका भी ऐसा ही है। तो खैर हम उस पहाड़ों पर जाते नहीं हैं ज़ाहिर है, तो हम कभी इस तरह के व्यूज़ को करीब से देखते नहीं हैं। तो ये आज पहले भी हम आ चुके हैं, मैं बचपन में भी 2-3 दफ़ा आया हुआ हूँ, बीच में हम 2-3 साल पहले एक दफ़ा और हम ट्रिप करने आए थे इस जगह का। तो आज दोबारा नज़ारा जब मैं देख रहा हूँ, तो क्योंकि हम ज़ाहिर है YouTube पे अब काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं नज़ारे। सामने रोड पर बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन रोड इतनी अच्छी बनी हुई है, एक्सप्रेस वे हो जाए या GT रोड हो जाए, कि आप कराची के मतलब किसी भी रोड से कंपेरिजन नहीं कर सकते इन रोड्स का, इस लेवल की ये रोड बनी हुई है। ये सीन हमने कहा कि आपको दिखाएंगे नज़ारा भी। चलिए अभी जो है ना हम कश्मीर एक्सप्रेस वे के ऊपर हैं, हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफर के साथ, और बहुत जल्दी अब जो है ना अपने होटल के ऊपर वापस पहुंचने वाले हैं अपने गेस्ट हाउस में। आज की जो है इंशाल्लाह खैर खैर से अब आखिरी हमारी रात होगी इस गेस्ट हाउस की, दैन हम सुबह 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 सवेरे कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बस इस इन तमाम मनाजिर को जो है इन तमाम अच्छे, हाँ वापसी के लिए ना बस करवाइए, उसके बताऊँगा मैं बाद में, क्योंकि अभी
मेरी बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो हो रही मोबाइल की, फ्लैश लाइट में ऑन नहीं कर सकता, तो मैं जो है उसके हवाले से बताता हूँ कि क्या वजह थी। तो हमने स्लीपर बस करवाई है डेबू की, ठीक है जी। तो अभी बस पहुँचने वाले हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं रात के खाने का क्या सेटअप करना है, बाहर जाना है या होटल के अंदर ही कुछ मंगवाना है। तो उसके बाद फिर जो है जो भी मंगवाएंगे फिर वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं, शेयर करते हैं। ये भाई हमारे साथ हैं, भाई का नाम है कारी वसीम, सही है जी, कारी वसीम साहब। ये ज़रा लाइट ऑन करते हैं, ठीक है जी। ये कारी वसीम साहब हैं, इन्होंने आज का बड़ा अच्छा ट्रिप कराया, बहुत तसल्ली से, बहुत सुकून से इन्होंने जो है गाड़ी चलाई है, और हमें कहीं भी फील नहीं हुआ कि हम जो है किसी टेंशन में जा रहे हैं। हालांकि अंधेरा था, और अंधेरा रोड वापसी का एक्सप्रेस वे थोड़ा सा ख़तरनाक था अभी, बट इन्होंने बहुत सुकून से, बहुत तहम्मुल से इन्होंने गाड़ी चलाई, और बहुत हम सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। चले अभी वापस पहुँच चुके हम लोग अपने गेस्ट हाउस के ऊपर, और यहाँ पर फैमिलीज ऑलरेडी इनकी गाड़ियाँ अंदर लगी हुई हैं। तो अब यहाँ पे उतरते हैं हम लोग और फैसला करते हैं भाई सुबह का क्या करना है, सुबह किस तरह से सीन करना है। एक सेकंड बैठे रहो, बैठे रहो, अभी रुक जाओ, इनको मैं सामान दिखा दूँ, इनको सामान दिखा दूँ ताकि इनको आइडिया हो जाए कि हमारे पास सामान है कितना, ताकि उस हिसाब से ना फिर हम गाड़ी का फैसला कर सकें। चलें जी वापस आ गए हम लोग और अपने रूम में चलते हैं। अब गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है यार, नो डाउट बहुत अच्छा गेस्ट हाउस हमें मिला है। देखें माशाल्लाह एंट्रेंस पर कितनी अच्छी इन्होंने जो है क्यारियाँ शायरियाँ बनाई हुई हैं, सामने गार्डन इतना अच्छा सा बनाया, मैंने सुबह भी आप लोगों को दिखाया था। बस चलते हैं अब। चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं हम लोग, मरी भी हो लिए, कश्मीर भी हो लिए, इस्लामाबाद भी घूम लिया पूरा, अपने काम शाम भी निपटा लिए मैंने सारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आ चुके हैं हम लोग वापस अपने गेस्ट हाउस पर, अपने रूम में आ चुके हैं भाई वापस, ठीक है जी। तो इस व्लॉग का आज यहाँ पे हम करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है जी, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। बहुत इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ आएंगी, ठीक है जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।